जैसे बाबर ने कल 100 बनाया, बाबर आजम की बातों बातों में 18 वनडे 100 हो गए। बाबर आजम का भी मैं देख रहा था यार, बाबर आजम ने पिछले कोई 10-12 मैचों में 100, 50, 70 मतलब आग लगाई है। ठीक है, आप हमेशा हर चीज को दो नजर से देखोगे, ए अरे यार ये कमजोर बोलिंग है, न्यूजीलैंड के क्या अटैक है, वो आप जिसको आपने क्रिटिसाइज करना कर ही दोगे, बट उस बंदे में भूख है। आपको ये मानना पड़ेगा कि बाबर का जो वक्त है वो चल रहा है। भाई बाबर नीचे से आए हैं, यंग है, वो करेंगे रन। बट विराट ने तो किया हुआ है शायद, बट कभी ना कभी जो खेलेगा, जो दुनिया का राजा होगा क्रिकेट में कभी, और आपको एडमिट करने में हम सबकी जिंदगी में होते हैं कि मतलब व्हेन यू आर 20 साल के होते हैं तो 30 में आप फिजिकली, मैं कह रहा हूं, चेंज हो जाते हैं। 30 से जब आप 40 जाते हैं आप चेंज हो जाते हैं, 40 से आप 50 आते हैं चेंज हो जाते हैं। अब देयर इज नो शेम और गिल्ट इन एडमिटिंग कि वक्त के साथ साथ, मैं इंसान की बात कर रहा हूं क्रिकेटर नहीं, हालांकि क्रिकेट में ज्यादा दिखेगा जहनी तौर पर और फिजिकली, यू ऑलवेज गेट अ यार्ड स्लोअर जब आप 40 के ऊपर जाते हैं। आमने सामने रख लो ना रोहित और विराट को भी, फिटनेस पे भी, कि विराट अभी भी जो स्कोर कर पाए हैं या कर रहे हैं वो यही है कि उनकी फिटनेस जिस तरीके से उनको साथ दे रही है। दूसरा बाबर का यही है कि भाई देखो अल्टीमेटली बाबर की वो वैल्यू तब बढ़ेगी, मुझे तो उनकी नॉक्स में वही है जो उन्होंने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 मारा था, देन लगा कि यार बाबर अब शायद नेक्स्ट स्टेप लेकर, और अब उनको ये वर्ल्ड कप जो आ रहे हैं, जो T20 वर्ल्ड कप गए या उससे पहले थे, वहां पर जब उनकी नॉक्स आएंगी या कुछ करेंगे तो देन समहाउ वो डिस्कशन में भी आएंगे। बड़े स्टेज पे आके परफॉर्म करिए आप, वर्ल्ड कप में उनका बल्ला नहीं बोला, रन बनाते रहो आप, 20-100 बनाओ, 30-100 बनाओ, ठीक है न्यूजीलैंड की टीम भी कमजोर है, बाकी भी जो टीम्स आते हैं आप उनके अगेंस्ट ही बनाओगे, बट आप डिस्कशन में तभी आओगे जब आप कुछ विराट कोहली जैसी कुछ रोहित शर्मा जैसी कुछ, मैं कह रहा हूँ शिखर धवन जैसी, बाबर आजम से बेटर है, उन्होंने एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, निकलवाई है अपने दम पे। वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि मतलब 2019 से बाद में सबको ये याद आया कि शिखर धवन होते तो क्या ही होता। तो ठीक है वो बायलेटरल तो हम भी दुनिया भर की जीतते हैं, टू एन एक्सटेंट इवन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स दे हैव चेंज विद द टाइम, वो वक्त के साथ बदले हैं। आज महिपाल लोंगरो ने जो बैटिंग की है क्या आगे चल रहे हैं, वक्त के साथ चल रहे हैं। कभी कभी जायसवाल को बैटिंग करते आप देखते हो आपको लगता है वक्त के साथ चल रहे हैं, कभी वो एक आधी इनिंग ईशान, एक आधी इनिंग सूर्य कुमार यादव, वो आपको दिखाते हैं, झलकी दिखाते हैं। सूर्य तो ज्यादा मतलब सूर्य ने तो सूर्य हाँ मैं एक आधा नहीं, आई एम सॉरी मतलब